समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी दल प्रसपा के बीच एक बार फिर से नाराजगी दिखाई दे रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव के बीच संबंध कुछ ठीक जान नहीं पड़ रहे हैं। चाचा शिवपाल के तेवर से गठबंधन टूटने के आसार नजर आ रहे हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी में विधानसभा चुनाव अब संपन्न हो चुके हैं और सपा को एक बार फिर से जनता ने विपक्ष में बैठाया है। वहीं समाजवादी पार्टी में पारिवारिक कलह फिर से खुलकर सामने आने लगी है। चाचा शिवपाल और भतीजा अखिलेश के बीच रिश्ते ठीक ना होने को लेकर एक बार फिर से संदेह किया जा रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार के गठन के बाद समाजवादी पार्टी की कई बैठकों में चाचा शिवपाल नदारद रहे। जानकारी के मुताबिक किसी भी बैठक में भतीजा अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल को बुलाना तक ठीक नहीं समझा। अब इस बात पर चाचा का दर्द झलकना तो लाजमी है। इसी को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि सपा गठबंधन में कुछ तो ठीक नहीं है। आपको बता दें कि मंगलवार शाम को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गठबंधन दलों के साथ एक बैठक बुलाई थी। इसमें शामिल होने के लिए तमाम सहयोगी नेताओं को न्योता दिया गया था, जिसमें सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, रालोद से राजपाल बालियान समेत कई दिग्गज नेता सपा दफ्तर पहुँचे थे। लेकिन इस बैठक में भी प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव शामिल नहीं हुए। चाचा शिवपाल लखनऊ में हो रही बैठक में ना जाकर इटावा के नगला राजा गांव में भागवत कथा सुनने चले गए। बस यहीं से चाचा भतीजा के बीच रिश्तों की तल्खी और गंभीर होती नजर आई। सियासत के गलियारों में ये भी चर्चा है कि चाचा शिवपाल कहीं बीजेपी के संपर्क में तो नहीं है, क्योंकि 27 मार्च को शिवपाल यादव ने नई दिल्ली में मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की थी। अब तक ये देखा गया था कि जब भी कोई पारिवारिक विवाद होता है तो मुलायम मामले में हस्तक्षेप करते हुए नाराज शिवपाल को मना ही लेते हैं। प्राइम टीवी से आरती तिवारी की रिपोर्ट। तो जहां सपा और प्रसपा में गठबंधन है तो वहीं अब वो गठबंधन टूटता नजर आ रहा है, क्योंकि एक बार फिर रिश्तों में टकराव देखने को मिल रहा है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।